स्काई रन एसएमपी एक ऐसी एसएमपी जो बहुत ज़्यादा औसम है। तो आज हम बनाने वाले हैं एप्लीकेशन वो भी स्काई रन एसएमपी के लिए। आपको एक एसएमपी को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होता है, आपको स्किल्स आना ज़रूरी होती है, पार्कोर, एमएलजी और पीवीपी। तो आज की वीडियो में ऐसे एप्लीकेशन में हम अपनी स्किल्स के बारे में बताएंगे। स्काई रन एसएमपी के अंदर जाने के लिए तो सबसे पहले करते हैं अपनी बात पार्कोर। तो मैं पार्कोर में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं ठीक ठाक पार्कोर कर लेता हूँ। तो अभी मैं आपको पार्कोर दिखाऊँगा मेरा कैसा है, तो देखिएगा आप। तो आ चुके हैं हम अभी पार्कोर में, तो चलिए से पार्कोर करता हूँ। हाँ, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं पार्कोर में इतना अच्छा नहीं, क्योंकि मैं इसमें बहुत बार मरता हूँ। तो मैंने अभी इसमें नॉर्मल मोड लगाया हुआ है, तो मेरे को पार्कोर ज़्यादा अच्छा आता नहीं, तो मैं मरता हूँ। इसके बाद मैंने नॉर्मल मोड लगाया, तो आप मेरा नॉर्मल मोड का पार्कोर चेक करें और मुझे बता दें कि मैंने कैसा पार्कोर किया। 10 में से 5 तो दे दिए गए, मैं अच्छा पार्कोर किया था। तो दिखाता हूँ आपको मैं अपना पार्कोर। मेरा पार्कोर कैसा लगा आपको, तो मुझे जल्दी से कमेंट में बता दिएगा। तो अगली स्किल्स के बारे में बात करते हैं, वो है एमएलजी। तो एमएलजी भी आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक लाइफ स्टील एसएमपी है, कभी भी आप पे हमला हो सकता है, तो आपको आना ज़रूरी होती है। तो अपनी मैं एमएलजी वगैरह दिखाता हूँ आपको मैं कैसे एमएलजी करता हूँ। तो चलते हैं आगे एमएलजी की तरफ। तो हमारी पहली एमएलजी है, वो है वाटर बकेट एमएलजी। वो तो मैं आसानी से कर लूँगा, एक बार मर गया था क्योंकि मेरा ग्लिच हो गया था। दूसरी एमएलजी हमारी स्नो बकेट की, तो स्नो बकेट की भी आसान है, पहली बार मैं मर गया था, ग्लिच हो गया था। और एसएलएम ब्लॉक एमएलजी में पहली बार मैंने पूरा कर दिया था, आसान थी, बाकी यहाँ पर ग्लिच हो गया था, मैं इसी वजह से नहीं कर पाया। तो हमारी चौथी जो है, चौथी बोल लो, कॉपवेब एमएलजी मैंने आसानी से कर ली थी, पहली बार में मेरा पता नहीं ग्लिच हो रहा था। हमारी चौथी एमएलजी थी, जो भी 5 एमएलजी वो हॉर्स की थी, हॉर्स की बहुत हार्ड थी, इसे कर नहीं पा रहा था। तकरीबन 20 बार तो मैं मरा आऊँगा, तो बहुत हार्ड थी, इस टाइम में मैंने कर ली थी पूरी। तो हमारी तीसरी स्किल है, वो है पीवीपी। तो ये जो आप बैकग्राउंड में पीवीपी देख सकते हैं, तो ये मेरा ही पीवीपी है। तो ये शुरू शुरू में मैंने थोड़ा नूब खेला, एंड में आपको एक्स पीवीपी की थी मैंने। बाकी पीवीपी दिखाता हूँ आपको मेरा कैसा है, तो चलते हैं आगे वीडियो में, दिखाता हूँ आपको पीवीपी मेरा कैसा है। We'll be right back.
तो गाइस बताना कैसा करा है मैंने पीवीपी। तो अभी भी मेरी पीवीपी दिख रही है, तो देख सकते हैं पीवीपी मैंने कैसे किया। पीवीपी करना ज़रूरी होता है हर सर्वर में, क्योंकि कभी भी आप लाइव स्टेल संपी कभी भी हमला हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक्स निकाली, एक्स पीवीपी में चेक कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, तो सैफू बता देना यार मुझे इसमें सिलेक्ट हुआ तो मेरे कमेंट कर देना। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।